बियर्ड पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं अभिवृत्ति। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप ईयरली बेस वाले स्टूडेंट हो, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और कहाँ से आपको चाइल्डहुड एवं ग्रोइंग अप के जो नोट्स हैं कहाँ से प्रोवाइड होंगे। आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए खास रहने वाली है और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो यूनिट फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है चाइल्डहुड बाल्यावस्था जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स और कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है आपका, इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली स्कूल नेबरहुड एंड कम्युनिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में परिवार, विद्यालय, पड़ोसी और समाज का क्या इफ़ेक्ट रहता है। सेम यहाँ पे यूनिट सेकंड की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका रहने वाला है, ये सेकंड टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्लस सीटेट और यूटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो सेकंड टॉपिक है आपका पिगाडे एंड बर्नर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो संज्ञानात्मक विकास था जीन प्याजे और बर्नर की जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में रहने वाला है। थर्ड जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पांचवा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या है, समता और समानता क्या है, इसके बीच का अंतर। यूनिट थर्ड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बात करते हैं किशोरावस्था, इसकी मीनिंग और इसके गुणधर्म क्या है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलसेंस। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है एडोलसेंस के लिए किशोरावस्था में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिट फोर की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है। हाइजीन का मतलब आपके यहाँ पे स्वच्छता से रहता है, तो इसमें आपको स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल रहता है, मीडिया का क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यूनिट फाइव की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी के बारे में आपको पढ़ना है कि पर्सनैलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर इस पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। एज ए टीचर पर्सनैलिटी आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों के, ये सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके नोट्स के रिगार्डिंग। देखो स्टूडेंट, मैंने काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं। वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा ये नोट्स आपको कहाँ से प्रोवाइड होंगे, तो बिल्कुल पैनिक मत होना। पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की थी मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आप देख रहे होंगे, ध्यान देना मेरे स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन विद जिस ने कहा है उसके रिगार्डिंग डेफिनेशन हो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्किनर ने एंड क्रो ने अपनी डेफिनेशन डिफाइन की थी, तो ये आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, क्योंकि इससे आपका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लिखने की जो स्किल है वही आपके नंबर को यहाँ पर इम्प्रूव करेगी। चीज़ को आप बार बार ध्यान देना, डेफिनेशन के साथ साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर डेफिनेशन आप किस ने ये प्रोवाइड की है। सेम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, आप देख सकते हैं नेचर क्या क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की है। एज ए टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रोल है, चाइल्डहुड क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किसने इसकी डेफिनेशन दी, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे चाइल्डहुड की डेफिनेशन किलपैट्रिक ने दी है, कॉल ऑफ ब्रुश ने दी है, रॉस ने दिया है, फ्राइड ने दिया है। इसके साथ साथ इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके चाइल्डहुड में, साथ ही साथ इस वीडियो में आपको हर एक नोट्स आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पूरे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए रहने वाली हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे हमने, रोल ऑफ टीचर, मीडिया एंड एनजीओ का क्या है चाइल्डहुड के प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अभिवृत्ति और विकास का जो सिद्धांत है क्या है, क्या इस चीज़ में मेंशन कर रखे हैं, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने मेंशन कर रखे हैं। जो इम्पोर्टेंट हेडिंग मैंने जो आपको मेंशन की थी स्टार्टिंग में, जीन प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी, पिगाटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन कर रखी हैं।
उन्होंने चार स्टेजेस इसके रिगार्डिंग बताए थे। इसके रिगार्डिंग में मैंने सारी इस पीडीएफ में आपको मेंशन कर रखा है कौन कौन से स्टेजेस, चाहे कॉग्निटिव स्टेज की बात करें, फॉर्मल स्टेज की बात करें, और टीचर्स लर्न फ्रॉम पिगाटे थ्योरी, क्या पिगाटे थ्योरी से आप सीख सकते हैं बच्चों के लिए टीचिंग में, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। बर्नर थ्योरी में मैंने मेंशन कर रखी है बर्नर थ्योरी क्या है, उसने किस चीज़ के लिए यहाँ पर मेंशन किया। तीन टॉपिक इसमें मेंशन थे, एक इनेक्टिव मोड, आइकनिक मोड, सिमेलिक मोड। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए पीडीएफ रहने वाली। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, साथ ही साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ रहता है, फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, जो डेवलपमेंट के जो प्रकार रहते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्विटी एंड इक्वालिटी जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में आता है वो भी मैंने डिस्कस किया है। एडोलसेंस के बारे में भी मैंने इस पीडीएफ में डिस्कस किया है, एडोलसेंस क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफाइन क्या क्या डेफिनेशन की है, कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन एडोलसेंट डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समाज का और कल्चर, हमारी जो संस्कृति का है, हमारे एडोलसेंस में क्या डिफरेंट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस पीडीएफ में मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताई थी, नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलसेंस, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ जो मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, और मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम मेंटल हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचर्स का क्या रोल रहता है हाइजीन के लिए, जो स्वच्छता रहती है उसके रिगार्डिंग टीचर्स का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। साथ ही साथ पर्सनैलिटी क्या होती है, कहाँ से आया, इसके रिगार्डिंग किसने क्या डेफिनेशन डिफाइन की है। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए पीडीएफ रहने वाला है। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मैं 100% आपको कहता हूँ आपका एग्ज़ाम में जो लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा, और आपके जो मार्क्स हैं 100% बेहतर आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको जो अनदर पेपर आपके बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर रहते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करना। अनदर क्वेरी आपकी होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये पीडीएफ प्लस जो ये वीडियोस है आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, एंड अगेन गुड लक फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर और ईयरली एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्तों।